स्टार्ट किया SPL के अंदर, हमने स्टार्टिंग में टेस्टिंग टेस्टिंग में हमने 15 से 20 हज़ार रुपये का बजट लगा दिया। तो 15 से 20 हज़ार रुपये का बजट हम लोगों ने जो लगाया वो हमारी वन टाइम कॉस्ट थी, वो बाद में नहीं आना हमारा खर्चा। हमारा खर्चा सिर्फ वन टाइम में, फर्स्ट टाइम में आना है, और उस वन टाइम कॉस्ट को हम लोग यूनिट इकोनॉमिक्स में नहीं ऐड करते, ठीक है ना। यूनिट इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं, बॉटल की प्राइस, लेबल की प्राइस, रॉ मटेरियल की प्राइस, और उसके ऊपर जो स्टिकर लग रहा है उसकी प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो दराज पर शिप हो रहा है उसकी पैकेजिंग कॉस्ट, दराज का जो कमीशन है वो कॉस्ट। मैं अपनी वन टाइम कॉस्ट इसके अंदर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट जो होती है वो कभी भी आप उसको कैपिटल के अंदर नहीं डालते। अच्छा, वन टाइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। वन टाइम कॉस्ट इस तरह निकलती है, उसको हम अभी साइड पर रख देते हैं बिजनेस में, ठीक है। वन टाइम कॉस्ट को साइड पर रख दिया, बिजनेस चलने लग गया, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने लग गया, बिजनेस फॉर एग्जाम्पल महीने के 50 हज़ार रुपये बना रहा है। अब बिजनेस के, अब जो हमारी वन टाइम कॉस्ट थी जो कि 50 हज़ार रुपये है, उसको हमने 10 महीनों पे डिवाइड कर दिया वन टाइम कॉस्ट को। तो हर महीने हम उससे 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और वो पैसा हमारा रिटर्न आ रहा है वन टाइम कॉस्ट का, ठीक है। तो इस तरह हम वन टाइम कॉस्ट को मैनेज करते हैं, और यूनिट इकोनॉमिक्स हमारा वही रहता है जो मार्केट में कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, जो हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है अहमद रजा भाई।